न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आज की एक्सपायरी के बाद कल क्या हो सकता है मार्केट में, क्या यहाँ से गिरावट आएगी या फिर मार्केट दोबारा से अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझेंगे यहाँ पे कि नई सीरीज जो कल से स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आज की एक्सपायरी के बाद मार्केट कल किधर मूव करेगा, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था ये जो मोमेंट चल रहा है मोमेंट में बाय करने की कोशिश मत करिएगा। उसके पीछे का रीजन मैंने बताया था बिकॉज इंडिया विक्स मॉर्निंग में काफी तेजी से जंप किया था, जिसकी वजह से जो प्रीमियम थे आप देख रहे हो अभी तो ये 6% नीचे, बट मॉर्निंग में ये ऑलमोस्ट 10-11-12% के आसपास तक हाई पे चला गया था, जिसकी वजह से क्या था कि जो प्रीमियम थे वो बहुत तेजी से बढ़े थे। यहाँ पे इवन आप सोचो 17,800 की कॉल भी करीब करीब 10-11 रुपए तक पे ट्रेड कर रही थी, और 17,700 की कॉल तो बहुत महंगी थी मॉर्निंग में, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 30-35-40 रुपए के आसपास तक वो ट्रेड कर रही थी। तो जिसकी वजह से क्या है कि आपको वहाँ पे प्रॉफिट कमाने में बहुत दिक्कत आती, क्योंकि जाहिर सी बात है आज एक्सपायरी है, टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो आपको क्या होगा बहुत तेज़ी से लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही हुआ, एंड में जाके वो सारे ऑप्शन ज़ीरो हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी मार्केट एट 11 के वीडियो में। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैं अगर एक्चुअली देखा जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरे कुछ बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन सेल थे, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए करीब मेरे को 8 लाख का प्रॉफिट था उस दिन। गैप डाउन खुला, सीधा सीधा मैं 11 लाख के माइनस पे खुला था, लेकिन वन वे रिकवरी आई, उसकी वजह से मैं दोबारा से 16 लाख प्लस पे चला गया। लेकिन फिर मार्केट साइडवेज चला गया तो वो 16 लाख में से भी 5-6 लाख रुपए दोबारा से मार्केट में चले गए। फाइनली जाके यहाँ पे 7 लाख के प्रॉफिट में हम बंद हुए हैं। वो कह सकते हैं कि हमने सिस्टम बंद कर दिया था इसलिए बंद हो गया, अगर लगे रहते तो शायद वो भी चले जाते, लेकिन ठीक है, रूल अच्छे हैं, डिसिप्लिन अच्छा है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट में ही बंद हुए हैं। हाँ, कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट था, उसको डाइल्यूट हमने खूब किया है। लेकिन अब कल क्या हो सकता है इसको समझते हैं। तो उसको समझने से पहले हम ग्लोबल मार्केट को देखेंगे, क्योंकि हमारा मार्केट स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी दिखा रहा है, बट ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी गड़बड़ी है, जिसकी वजह से हम ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे, करेंटली अगर मैं इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ, 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है, नैस्डैक करीब 100 पॉइंट डाउन है, जो कि अभी दिन में तो करीब 160-170 पॉइंट डाउन हो गया था, बट अब थोड़ी सी रिकवरी आई है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये थोड़ी सी रिकवरी आई है। तो कंटिन्यूसली पिछले 3-4 दिन में ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, तो हो सकता है आज एक बाउंस वाला, यानी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाने के बाद आज एक बाउंस देखने को मिल सकता है यूएस मार्केट के अंदर। ठीक है, बट यूएस मार्केट से ज़्यादा और प्रॉब्लम है, वो है यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट कंटिन्यूसली स्लाइड कर रहे हैं। अगर मैं डेक्स का चार्ट आपको दिखाऊँ तो आप देखोगे, ठीक है, डे चार्ट है 5 ईयर्स के हिसाब से, आप देख रहे हो ऑलमोस्ट जो इसने स्विंग लो बनाया था जब ये रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था उसके नियरेस्ट ही ये ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कह सकते हैं एक पैनिक सिचुएशन में है, क्योंकि यूएस की इन्फ्लेशन तब भी थोड़ी बहुत कंट्रोल आ रही है, बट यूरोप की कंट्रोल नहीं आ रही है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट और तेज़ी से बढ़ सकते हैं, तो जिसका प्रेशर मार्केट कंटिन्यूसली फील कर रहा है। आज भी करीब 1% से ज़्यादा डाउन है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लिए, बट ये भी ओवरसोल्ड है, तो हो सकता है ये यहाँ पे डबल बॉटम बनाने की कोशिश करें फिर रिकवरी करें। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट एक बाउंस देने को तैयार है, खासकर ग्लोबल मार्केट, तो उसका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो उतने गिरे नहीं हैं, हम तो ऑलमोस्ट टॉप पे ही ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे हमने मंथली हाई बनाया था। तो यहाँ से हम फिर क्या कर सकते हैं, अगर ये रिकवरी आती है तो 18,000-18,100 तक हम जा सकते हैं। ये पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, और सेलिंग के लिए भी ध्यान रखिएगा कि मार्केट कभी भी गिर भी सकता है, तो उसके लिए भी आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। अब चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा में, ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं सबसे पहले। राइट सी बात है, कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी, 8 सितंबर की इसकी एक्सपायरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोजिंग कहाँ आई है निफ्टी की, क्लोजिंग निफ्टी की कोई बुरी नहीं है, सबसे अच्छी क्लोजिंग है। मंथली क्लोजिंग भी सबसे अच्छी थी, अगर आप देखोगे मंथली क्लोजिंग जो कल हुई है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे हुई है।
ठीक है ना, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो हमारा सेंटिमेंट बिल्कुल पॉजिटिव है, हमें कोई ज़्यादा वीकनेस दिख नहीं रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, आप देख रहे हो नीचे गिरने पे ये बहुत धीरे धीरे गिरा, लेकिन रिकवरी बहुत फास्ट आ रही है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो हमारी क्लोजिंग कहाँ आई है, 17,500 के ऊपर। तो ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम चलते हैं तो देखो 17,500 की जो पुट है वहाँ पे 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कॉल पे सिर्फ 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,600 की पुट पे करीब 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल पे कितना है 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि फिलहाल जो ऑप्शन राइटर्स भी हैं वो भी थोड़े से सहमे बैठे हैं कि साला पुट राइट करें या कॉल राइट करें। क्यों? क्योंकि मार्केट हमारा क्या है, ग्लोबल मार्केट के साथ गिरता तो है लेकिन रिकवरी उतनी तेज़ी से आती है जितनी तेज़ी से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, बैंक निफ्टी खुलते ही ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की रिकवरी उसने दिखा दी थी, हरे निशान में ट्रेड करने लगा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल राइट और पुट राइट दोनों कन्फ्यूज़ हैं कि हमें कॉल राइट करनी चाहिए या पुट राइट करनी चाहिए, इसीलिए जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी कम दिख रहा है। हो सकता है कल से इसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़े, बट आज के दिन तो काफ़ी कम है, तो ओपन इंटरेस्ट से हम ज़्यादा कुछ आइडिया लगा नहीं सकते। चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि चार्ट पे किस तरीके के लेवल्स हमें दिख रहे हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रहा हूँ, अब एक चीज़ समझ लीजिए आप, इसको और बड़ा छोटा कर देते हैं, आधा घंटे का लगा देते हैं। ठीक है, ये लेवल्स आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके बाद इम्पॉर्टेंट लेवल है ये। ठीक है, ये एक गैप फिल किया हुआ है, ये एक गैप है जो कि हम मार्केट ने बनाया था परसों के ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट ऊपर चला था। ठीक है, अब हमारे लिए आज का जो हाई है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, अगर हम आज के हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम एक्सट्रीमली पॉजिटिव हैं अगर हम इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करते हैं। अगर आप इसको यहाँ ना मार्क करके आप इसको यहाँ मार्क कर लो वो भी चलेगा, 17,730 के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहोगे, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, बुलिश रहोगे तो कहाँ तक टारगेट जा सकता है आपका, 17,850 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। 850 निकला तो उसके बाद 18,000 आपके पास टारगेट है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। यानी ये जो चैनल है इस चैनल में आपको थोड़ा सा क्या करना है, पेशेंस रख के काम करना है। इस चैनल में मार्केट थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा दिखाएगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर आज के हम सेटअप की बात करें तो आज के सेटअप में भी आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन को इसने कंटिन्यूसली फॉलो किया था। ठीक है, दिख रहा है आपको ये ट्रेंड लाइन, कंटिन्यूअसली इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, एंड में जाके इसने इसको ब्रेक किया है, बट एंड के ब्रेकआउट को कोई ब्रेकआउट नहीं माना जाता, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना है, जब तक आप 17,700 नहीं निकल जाते तब तक आपको दोबारा से बाइंग नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इस जोन के अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी निफ्टी के अंदर, ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, नीचे आप गिरोगे कब, गिरना जाहिर सी बात है, आप अगर 17,450 के नीचे जाते हो तो आप वीक होते हुए दिखाई दोगे, यानी इस लो के नीचे जाओगे तो आप वीक होगे। 17,410 का लेवल है ये। ठीक है, इसके नीचे जाओगे तो करीब करीब 60-70 पॉइंट का ये जो गैप है ये आपको फेल होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम 17,350 के नीचे गए तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट 17,250 मिलेगा। अब नीचे क्या है, छोटे छोटे एरियों में सपोर्ट मिला हुआ है तो कहीं पे भी मार्केट रुक के बाउंस कर सकता है। ठीक है ना, एक्सट्रीमली बेयरिशनेस कब आएगी, जब हम 17,150 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तब हम सबसे ज़्यादा वीक होंगे, अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 17,150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में चलते हैं तो देखो बैंक निफ्टी की तो मंथली क्लोजिंग अगर हम देखें सबसे बेस्ट क्लोजिंग है अगर आपको दिख रही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्लोजिंग दी थी बैंक निफ्टी ने। ठीक है ना, 39,500 के करीब की क्लोजिंग है जो कि सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। क्लोजिंग के बाइस पे हम बात करें तो मंथली क्लोजिंग बैंक निफ्टी की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख भी रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट हाइक्स होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और बैंकों के लिए फाइनेंशियल सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब होगा क्या कि जाहिर सी बात है कि लोन जब महंगे हो जाते हैं तो लोग लोन लेना भी बंद कर देते हैं, बट उतने ज़्यादा ड्रॉप नहीं होते, जिसको गाड़ी लेनी है वो गाड़ी लेगा ही लेगा, चाहे वो 6.5-7% का इंटरेस्ट दे या फिर 8 का दे तो वो लेगा ही लेगा, जिसको घर लेना है वो लेगा ही लेगा। तो ऐसा नहीं है, लोन की जो बुक होगी वो ठीक ठाक ही इनकी मेंटेन रहेगी, इसीलिए आप बैंक निफ्टी को कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हुए देख रहे हो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपका सबसे हाईएस्ट लेवल का जो ले है वो है आपका 39,750, इसके ऊपर आप निकलते हो
500 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है। यानी इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किए तो समझ लीजिए शॉर्ट कवरिंग सारे शॉर्ट्स कटते हुए दिखाई देंगे अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करने लग गए। ठीक है, जब तक हम 39,000 के नीचे दोबारा से क्लोज नहीं देते हैं तब तक हम कह सकते हैं कि हम पॉजिटिव ही हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए। एक्सट्रीमली बेयरिशनेस कब आएगी, जब हम 38,000 के नीचे क्लोज देंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक हमने 38,000 नीचे क्लोज नहीं दिया है, वहाँ से कंटिन्यूसली हमने रिकवरी दिखाई है और मैक्सिमम टाइम हम 39,000 के ऊपर जाके क्लोज हुए हैं। लास्ट एक्सपायरी में हम नीचे गिरे थे बट उसके बाद हम गैप अप खुल गए, 39,000 के ऊपर क्लोज दिया, फिर हम गैप डाउन खुले, हमने एक दिन नीचे कामकाज किया, फिर अगले दिन मोमेंटम के बाद हमने 39,000 के ऊपर ही क्लोज दिया है। तो कंटिन्यूसली हमारी 39,000 के ऊपर की क्लोजिंग आ रही है, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में अगर ग्लोबल मार्केट थोड़े से इम्प्रूव्ड हुए, उनकी सेल ऑफ खत्म हुआ, तो बैंक निफ्टी आपको 41,000 तक के टारगेट दिखा सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट के सिचुएशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में जाते हैं तो करीब देखो डाउ फ्यूचर 163 पॉइंट है, नैसडेक थोड़ा सा रिकवर होके ऊपर आया है, 97 पॉइंट डाउन है, तो हो सकता है आज इनमें रिकवरी देखने को मिले। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, अगर ये रिकवर होते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक और जो सेंटिमेंट ख़राब करने वाला पॉइंट है वो है ब्रांड क्रूड का, जो कि दो दिन के अंदर 10-12% की इसमें गिरावट देखने को मिली, आज भी 2% डाउन है। तो एक चीज़ क्लियरली समझ लीजिए कि हमारे लिए जो क्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं हैं जितने ग्लोबल मार्केट के लिए हैं। हम हो सकता है ग्लोबल मार्केट की वजह से नीचे जाएं, लेकिन हमारी रिकवरी बहुत फास्ट रहेगी, तो आपको ज़्यादा एग्रेसिव होकर सेलिंग साइड पर ना रह के आपको पॉजिटिव साइड पर ही ट्रेड करना चाहिए। $93 के आसपास कामकाज कर रहा है, अगर ये और नीचे जाता है 85 के आसपास चला जाता है तो हमारा मार्केट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।